हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आया हूँ फिश एडिक्स में, जो हड़पसर में है। तो यहाँ पे अभी बहुत सारे न्यू फिश स्टॉक्स हैं, वो सब मैं आपको दिखाऊंगा। तो और कुछ ड्रिफ्ट फूड्स और टैंक सेटअप्स भी है, वो भी दिखाऊंगा। तो वीडियो के एंड तक आप बने रहिए एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ये पूरा इनका टैंक का एक साइड का सेक्शन है सिर्फ, तो वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। उसके बाद मैं बैक साइड का सेक्शन दिखाऊंगा और फिर ड्राई सेक्शन देखेंगे। तो ये एक फर्स्ट टैंक है जिसमें जियोफेगस है, बोस्मानी रेम्बोज है, सिल्वर शार्क है और ऑस्ट्रेलियन रेम्बोज भी है इसमें, और नियॉन रेम्बो है, राइट? ये नियॉन रेम्बो है। ओके, तो ये जियोफेगस है, ये अराउंड 3 to 4 inches है। तो इनका कैसा है प्राइस रेंज? जियोफेगस ये 1000 rupees पेयर है। तो इनका साइज भी बहुत बढ़ जाता है, राइट? ये अच्छा साइज लेता है, 6 to 8 inches आराम से बढ़ जाता है। ओके ओके, इसके फिन्स भी ऐसे इलॉन्गेटेड होंगे, व्हील टेल वाइब्रेंट होंगे। और ये बोस्मानी रेम्बोस है, ये अराउंड 2 inches से थोड़े बड़े हैं, 2.5 inches के बोल सकते हो। तो इनका भी आप देख सकते हो कलरेशन अभी आया हुआ है। तो ये कैसे प्राइस रेंज है? बोस्मानी 350 पेयर है। ओके, 350 पेयर है। ओके, इसमें भी मेल फीमेल है, आप ये देखिए। और ये सिल्वर शार्क्स में स्मॉल साइज से लेके बड़े साइज तक है यहाँ पे, तो ये अराउंड 3 inches के है। और इनका कैसा है प्राइस रेंज? ये 200 rupees पेयर है। ओके, 200 rupees पेयर है। और ये जो नियॉन रेम्बो है वो 120 पेयर है। ओके, ये भी थोड़े पूरा ब्लूइश हो जाते हैं ना शेड, अभी लाइट की वजह से सिल्वरिश दिख रहा है या वरना अच्छा ब्लैक बैकग्राउंड रहेगा। हाँ, तो पूरा ब्लू कलर दिखेगा। ये देखिए, एक ये नियॉन रेम्बो है यहाँ पे, इसमें मेल्स में रेड बॉर्डर रहेगा। ओके, ये मेल है, फीमेल रहेगा उसको येलो बॉर्डर रहेगा। ओके 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 ओके, ये फीमेल को येलो बॉर्डर है या। और ऐसे लो टेक प्लांट्स भी यहाँ पे मिलेंगे। तो इस टैंक में अभी कौन से प्लांट्स हैं? ये अनुबियस ग्रासिलिस है या बहुत बड़ा लीव्स है, या इसको आपको सॉइल वगैरह का जरूरत नहीं है। जो हाइट वाले टैंक्स है 2 feet 3 feet वाले, हाँ, वो लोग ये यूज कर सकते हैं गोल्ड फिश सेटअप, डिस्कस सेटअप में। ओके ओके, तो ये ड्रिप फूड या ऐसा रॉक्स पे भी लगा सकते आराम से लगा सकते हैं। ओके, और वो भी वही प्लांट है? वही प्लांट है। अच्छा, ये देखिए ग्रोथ हुआ है इसका, इसका हाइट ग्रोथ हुआ है या। और ये एक टैंक है जिसमें विडोज है, और ये मॉस का आपने ये किया है? ये लावा रॉक का, लावा रॉक के ऊपर मॉस का बेड बना है। हाँ, ये सब ताइवान मॉस है इसमें। ओके ओके ओके, या तो ऐसे सेटअप्स भी करके मिलेंगे आपको रॉक्स में लगा के। तो इस टैंक में विडोज है, सर्फी टेट्रास है और लोचस है, कुछ जोडियक लोच है वो। ओके, जोडियक लोचस है और सर्फी टेट्रा में बेलटेल भी है, ये देखिए। तो ये व्हाइट टिप टेट्रा है। ओके, देन रोजी टेट्रा भी है इसमें या। तो ये जो विडोज है अराउंड 1 inches की भी है, स्मॉल भी है इसमें। इसमें स्मॉल और जंबो दोनों साइज अवेलेबल है। अच्छा, तो ये विडोज का कैसा है प्राइस? स्मॉल प्राइस है, स्मॉल साइज है, जो मीडियम साइज है हाँ, वो 100 का पेयर है। ओके, जो जंबो साइज है वो 200 का पेयर है। अच्छा, जंबो साइज 200 का पेयर है। और विडोज में भी मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ वेलटेल्स भी है इनके पास, ये देखिए इसमें भी वेलटेल्स आते हैं। और ये सर्फी टेट्रा कैसा है? 50 rupees पेयर है। Okay. जो व्हील टेल है वो 120 पेयर है। ओके, रेगुलर वाला 50। ओके, और ये? ये व्हाइट टिप टेट्रा है, ये 120 पेयर है। ओके, 120 पेयर है। ओके, जोडियक लोच है, इनका कैसे प्राइस? ये 150 पेयर है। 150 पेयर है। ओके, ये इंडियन नेटिव लोच है। ओके ओके, और नीचे नॉर्मल गोल्ड फिशेस है, और ये कौन सा फिशेस है? ये कैलिको गोल्ड फिश है या। तो ये भी अराउंड 2.5 inch के है। तो इनका कैसा है प्राइस रेंज? ये 100 rupees पेयर है। ओके, 100 rupees पेयर है। ओके, और ये जो गोल्ड फिश है बड़े साइज के 4 inches के, जंबो साइज के, पाम साइज के, हाँ, वो 400 rupees पेयर है। ओके, और बाकी रेगुलर साइज है, मीडियम साइज, वो 80 rupees पेयर है। हाँ, तो फ्रेंड्स, इस टैंक में 3 to 3.5 inches के इम्पोर्टेड सिकलेट्स है। तो ये 450 rupees पेयर है इनका प्राइस।
जो है ये मार्गिनाटा बोलते हैं इसे। अच्छा। ये इंडियन नेटिव सिक्लिड फैमिली में आता है, इंडियन सिक्लिड्स में आता है मार्गिनाटा। या इसको हिट्रोपिलस मार्गिनाटा इसका साइंटिफिक नेम है। ओके ओके। बहुत यूनिक फिश है, डैमसल जैसा, मरीन फिश जैसा आपको दिखेगा। या या। ये कम्प्लीटली फ्रेश वाटर है। ओके। मार्गिनाटा 200 पेयर। 200 पेयर। और इस टैंक में स्मॉल साइज के वीडियोस है। ये ब्लड फिन टेट्रा। अच्छा, ब्लड फिन टेट्रा है। ट्रांसपेरेंट होता है। या कुछ हार्लिक्विन राजबोराज है। या और पेंसिल फिश है। अच्छा, बम्बल भी वो भी है यहाँ पे। वो पीछे पांडा कोरिडर है। हाँ, पांडा कोरिस भी है यहाँ पे। ये देखिए वीडियोस है, इनका कैसा प्राइस है? ये 80 रुपीज पेयर वाले। ओके, 80 रुपीज पेयर है। ओके। और ये ब्लड फिन टेट्रा। ब्लड फिन टेट्रा 100 रुपीज पेयर है। 100 रुपीज पेयर है। ब्लू किंग टेट्रा है, जिसको ब्लू एम्परर टेट्रा भी बोलते हैं। हाँ हाँ। इनका कैसा प्राइस है? 80 रुपीज पेयर है। ओके, 80 रुपीज पेयर। और वो पांडा कोरी। पांडा कोरी 250 पेयर है। ओके। कुछ चेरी बास भी है इसमें, राइट? राइट। तो इनका कैसा है? 80 रुपीज पेयर है। 80 रुपीज पेयर है। ओके। ये डेलेजी विशेष है। अच्छा, डेलेजी। इसमें बहुत सारे टाइप्स आते हैं। ओके। इसमें ये डेलेजी वैरायटी है। और इसका साइज अभी अराउंड रहेगा 8 to 9 inches का साइज है। या या या। फिर उसके अलावा ये चन्ना स्टेवार्टी है। yeah. इसको अगर प्रॉपर कंडीशन में रखा हाँ. तो ये पूरा ब्लू कलर दिखाता है। ओके ओके। ये ड्वार्फ चन्ना है, बट इसका जो कलर है हाँ. वो बहुत जबरदस्त देता है। प्रॉपर बायोटोप सेटअप अगर उसको दिया तो इसका पैटर्न देखिए अभी। हाँ, टेक्सचर अभी जिसका अच्छा है। हाँ. ये अराउंड 4 inches का रहेगा। हाँ. तो इनका कैसा है प्राइस रेंज? ये 500 ईच है। ओके। जो चन्ना स्टेवार्टी है हाँ. और जो बिशीर है ये 3000 रुपीज का है। ये जो एक टैंक है जिसमें एंजल्स है, तो ये मिक्स स्टॉक है? ये सब मिक्स स्टॉक है। इसमें बड़े साइज में स्कार एंजल है, फिर ये लोकल मन का पूरा एंजल है। ओके, ओके। कुछ स्मोकी एंजल है। या तो प्राइसिंग है 100-150 और बड़े वाले जो है वो 300। ओके, ओके। जो स्कार एंजल्स है बड़े वाले। ओके ओके, 300 तक जाते हैं। ये जो है ये इकाइनोडोरस वैरायटी है। ओके। जो पॉट में है हाँ। और जो ऊपर फ्लोटिंग में है ये फ्लोटिंग रूट भी है। ओके ओके। तो लोटेक्स प्लांट्स का भी अच्छा खासा स्टॉक मिलेगा आपको यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, इस टैंक में पैरट फिशेस है जो 3 inches के, और बैंडेड लेपरोनीज है जो अराउंड 6 inches के, और ये फिशरवुड कैटफिश है, ये भी कुछ 4 to 5 inches के बीच में है। तो ये देखिए रॉडकिल सीरम है यहाँ पे, जो अराउंड ये भी 4 to 5 inches के बीच में है साइज, और एक यहाँ पे है। तो ये जो सीरम है इनका कैसा है प्राइस रेंज? 800 रुपीज पेयर है, 4 inches का साइज है। ओके। और इनको कौन से फिशेस के साथ रख सकते हैं? ऑस्कर्स के साथ रख सकते हैं? ऑस्कर्स के साथ भी रख सकते हो, बट सेम साइज ऑस्कर्स होने चाहिए, या तो फिर पैरेट फिशेस के साथ, और सिक्लेट्स के साथ आप रख सकते हो। और ये पैरेट फिशेस का क्या प्राइस रेंज है? 800 रुपीज पेयर है दोनों भी, रेड एंड येलो। ओके ओके। और ये बैंडेड लेपरोनिस, ये बड़ा साइज में है, ये 2500 का पेयर है। ओके, 2500 का पेयर है। ओके। और फिशरवुड कैटफिश? फिशरवुड कैटफिश 500 का पेयर है। ओके। तो ये स्मॉल साइज में बहुत से फिशरवुड कैटफिशेस है यहाँ पे, मतलब तो भी ये 4 inches के है, 3 to 4 inches। तो जिनको स्मॉल साइज में बैंडेड लेपरोनिस चाहिए वो भी है यहाँ पे, जो 2.5 से 3 inches के है। तो इनका कैसा है प्राइस रेंज? ये 1000 रुपीज पेयर है। ओके। और ये सेमी एग्रेसिव फिशेस है या कैसा है? ये सुपर एग्रेसिव है। अच्छा, ये एग्रेसिव है। अगर इसने ठान लिया तो किसी को भी नहीं छोड़ेगा, सबको मार देगा। okay. इसको आपको फास्ट और फास्ट मूविंग और एग्रेसिव फिश के साथ ही रखना है। मलावी सिक्लिड्स हो गए, पैरेट्स हो गए। अच्छा। जो फास्ट मूविंग है और डिफेंड कर सकते हैं उनके साथ ही इनको रखना है। ओके okay, ओके okay. तो इसका कैसा है प्राइस रेंज? ये 7.5 inches का एरोन है। अच्छा। उसका प्राइस 1400 रुपीज है। 1400। ओके फ्रेंड्स, ये लोटेक के प्लांट्स है इसमें। तो ये पॉट वाइज कैसे रेंज होता है स्टार्टिंग? ये 120 से 150 तक रेंज है इसका। ओके ओके। तो ये देखिए आप, इसमें वाइट फुल मून बीटा है, तो ऐसे ब्यूटीफुल बीटास भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये बीटास का कैसा रेंज है? ये फुल मून बीटा सब हमारे पास जो फुल मून आते हैं, डबल टेल आते हैं हाँ। वो 200 रुपीज ईच आता है। ओके। पूरा प्लेटिनम बीटा है। या बहुत ही ब्यूटीफुल बीटास है यहाँ पे। और भी मैं बीटास का कलेक्शन आपको दिखाऊंगा बाद में। और कुछ नीचे भी इनके पास प्लांट्स है, ये देखिए। तो ये कौन से प्लांट्स है? ये विंडल ऑफ फर्न है, इसको स्टेगोन फर्न भी बोलते हैं। ये एपिफाइट में आता है, आप रॉक या वुड के ऊपर लगा सकते हो। ओके। और बहुत ही कलरफुल ग्रीनिश लग रहे हैं कंपेयर टू ये अदर प्लांट्स। ये कौन से? ये ब्राउन कलर का जो है, इसका कलर ही ऐसा होता है। ओके। ये क्रिप्टोकॉर्नी वेंटी ट्रॉपिका का प्लांट है, क्रिप्टोकोरिन का वेराइटी है। ओके ओके। तो ये सॉइल वाला प्लांट है। ओके। और ये देखिए यहाँ पे भी एक बीटा है, ये डबल टेल है। बहुत ही अलग अलग कलर्स के यहाँ पे बीटास देखने मिलेंगे आपको।
और ये कौन सा प्लांट है? एनुबियस बायटेरी है, ब्रॉड लीफ वैरायटी में। या ये भी है, फिर आपको अनुबियस ये कॉइन लीफ भी मिलेगा। ये अनुबियस कॉइन लीफ है। या फिर अनुबियस नाना पिटाइट भी है। ओके, ये सबसे छोटा लीफ वाला अनुबियस वैरायटी है। या ये मुश्किल से ही मिलता है, हमेशा स्टॉक नहीं आता है इसका। या ये भी है। फिर ये अनुबियस ग्लाबरा है। या ग्लाबरा लॉन्ग लीफ में आता है, स्लेंडर लीफ में। या फिर कुछ जावा फन के छोटे साइज में अवेलेबल है। हाँ, ये जावा फन स्मॉल साइज में, स्मॉल साइज में। या तो फ्रेंड्स, इस टैंक में एंजल्स है और जियोफेगस भी है इसमें भी, 2.5 इंच से 3 इंच का। और ये एंजल्स जो इसमें कौन कौन से है? इसमें ब्लू एंजल है और प्लैटिनम एंजल है। या बट ये अच्छे क्वालिटी के एंजल्स है। इनका आप बॉडी प्रोपोर्शन, शेप और फिन्स देखोगे, हाँ, एकदम परफेक्ट शेप और ट्रेड्स में है। या ये देखिए। और जियोफेगस है, ये क्या रेंज में? ये भी 1000 रुपीज पेयर है। ये जो जियोफेगस है, ये जियोफेगस सुरिनामेंसिस है। Okay. और इससे पहले हमने देखा था वो जियोफेगस एल्टीफ्रॉन है। ओके। और एंजल्स का क्या प्राइस रेंज है? एंजल्स 300 रुपीज पेयर है। Okay. 3.5 इंच का साइज है दोनों, प्लैटिनम और ये। या तो ये कौन सा बिचर है? ये ऑर्नेट बिचर है। Okay. ये बिचर में सबसे एक्सोटिक वैरायटी है। ओके। और ये अभी साइज क्या है इसका? ये 6 इंचेस का है। ओके। और 6 to 7 इंचेस है। इसका क्या प्राइस रेंज है? ये 2000 रुपीज पेयर जाता है। ओके। ये एक्सोटिक वैरायटी है, एक्सोटिक वैरायटी एकदम रेयर वैरायटी है बाइशर का। ओके। ये पूरा वाइब्रेंट कलर और पैटर्न्स रहता है इसका। या टैंक में पूरा स्कैट फिश है जो अराउंड 2.5 से लेके 3-3.5 इंच तक है साइज, और बहुत अच्छा खासा स्टॉक है। तो इनका कैसा है प्राइस रेंज? ये 300 रुपीज पेयर है। ओके, 300 रुपीज पेयर। तो ये भी ऐसे मोनो एंजल जैसे सेमी अग्रेसिव है या कैसे है? ये सेमी अग्रेसिव में ही आता है। ओके। ब्लैकिश वाटर फिश है। ओके। आपको थोड़ा सॉल्ट डाल के इनको रखना पड़ेगा। अच्छा, इनको सिक्लिड्स के साथ, एग्रेसिव फिशेस के साथ रख सकते हो। ओके। और यहाँ पे भी ये मिक्स स्टॉक है एंजल्स का, राइट? या तो ये लेबरा एंजल है। ओके। तो इनका कैसे प्राइस रेंज? ये 150 रुपीज पेयर है। ओके, 150 रुपीज पेयर है। ये हाई फिन वैरायटी में। या और ये भी अराउंड 3-4 इंचेस के बीच में साइज है इनका। और यहाँ पे प्लैटिनम एंजल्स और जेट ब्लैक एंजल्स है, राइट? या प्लैटिनम एंड जेट ब्लैक है। Okay. ये 2 इंचेस वाले है, ये 180 रुपीज पेयर है। ओके। और जेट ब्लैक भी? जेट ब्लैक भी। ओके। तो ये एक फ्लावर ऑन है यहाँ पे जो अराउंड 4-5 इंचेस रहेगा। तो ये कौन सा फ्लावर ऑन है? ड्यूअल टोन काम्फा फ्लावर ऑन है। ओके, ड्यूअल टोन है। और आप देख सकते हो इसका पैटर्न भी बहुत अच्छा है, और ये हेड भी इसका एक अच्छा शेप और बहुत एग्रेसिव है। तो इसको फीडिंग अभी क्या कर रहे हो? इसको मैं हम्पी हेड खिला रहा हूँ, पिको प्लैटिनम, देन ग्रैंड सुमो खिला रहा हूँ। या टाइप का फूड अभी चालू है। ओके। या 6-7 इंचेस है, बहुत बड़ा है ये। तो ऐसे फ्लावरॉन्स भी अच्छे, यूनिक फ्लावरॉन्स मिलेंगे आपको देखने यहाँ पे, और कुछ मैं काम्फा भी आपको दिखाऊंगा। तो इसका कैसा है प्राइस रेंज? 8500 का है। ओके, 8500। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑस्कर्स का पूरा स्टॉक है। तो इसमें कॉपर ऑस्कर्स है, ये अराउंड रहेंगे 3-4 इंचेस। और अल्बिनो फायर रेड ऑस्कर्स है, ये भी 3-4 इंचेस है। और फायर रेड ऑस्कर्स है यहाँ पे, ये देखिए, तो ये भी 3-4 इंचेस है। और इनका कलरेशन आप देख सकते हो। तो ये कैसे है प्राइस रेंज में? ये 450 का पेयर है। 450 पैर। ओके। ये फायर ऑस्कर है, फिर बीच वाला मोजाइक ऑस्कर है, अल्बिनो मोजाइक ऑस्कर। या और उसके साइड का टाइगर मोजाइक ऑस्कर है। तो ये तीनों 450 पैर में, राइट? ये सुपर रेड स्पॉटेड सेवरम से, सुपर रेड स्पॉटेड सेवरम जो अराउंड 3 इंचेस के, और इसमें भी एक ऑस्कर है, ये कॉपर ऑस्कर है। या ये 600 रुपीज पैर है। ओके, 600 रुपीज पैर है। ओके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक काम्फा है जो अराउंड रहेगा 2.5 से 3 इंच का, और बहुत ही अच्छा पैटर्न है इसका। तो इनका कैसा है प्राइस रेंज? ये जो है, ये सुपर हाई क्वालिटी में है, ये थाईलैंड इंपोर्टेड काम्फा है, F2 जनरेशन का। या इसका बॉडी पे भी आप पर्लिंग्स अगर देखोगे तो पूरा हेड कवर पर्लिंग्स है, वर्म पर्लिंग्स बोलते हैं। या इसका प्राइस है 4500 रुपीज। ओके, 4500। ओके। ये जब बड़ा होगा तो ये एकदम मास्टरपीस बनेगा। या हाई पोटेंशियल। तो फ्रेंड्स, ये इनका डिस्प्ले टैंक है जो अराउंड 4 फीट का रहेगा, राइट? या 4 फीट का।
तो इसमें कोइज है, रेड एंड व्हाइट कोइज है, डॉलर्स है, जैपनीज कोइज भी है इसमें। और ये सब कोइज जो अराउंड 6 to 8 inches के साइज में है। और ओरंडा गोल्ड फिशेस भी है इसमें जो 4 inches के है, 4 to 5। और ये कौन सा फिश है? ये बम्बल भी कैटफिश है, ये ओके नॉक्टर्नल फिश है, तो दिन भर छुपा हुआ रहता है, रात में ये बाहर निकलते हैं। ओके वहाँ पे भी एक है कॉर्नर में। या तो इनका कैसा है प्राइस है? ये 500 का पेयर है। ओके 500 का पेयर है। तो ये खाना खाने के लिए मोस्टली रात को एक्टिव नहीं, होते हैं। और ये जो कोइज है, ये जापनीज कोइज, ये जापनीज कोइज 8 inches में, हाँ ये 1200 rupees पेयर है। ओके और ओरंडा गोल्ड फिशेस, ये रेगुलर जंबो साइज गोल्ड फिश है, हाँ ये 400 rupees पेयर है। अच्छा 400 rupees पेयर है। और ये डॉलर्स, सिल्वर डॉलर्स 150 पेयर है, बिग साइज में। बिग साइज है ये, अराउंड 2 inches के है। तो ये एक टैंक है जिसमें काबोटा कोइज है। और ये कौन से सोटेल है? ये मार्बल सोटेल्स है। ओके मार्बल सोटेल्स है, ये टाइगर शार्क्स है इसमें। तो ये कोइज जो है ये अराउंड 3 inches के है, 3 to 4 inches। और इस टाइगर शार्क्स भी 3 inches के है, 3 to 4। और ये सोटेल का 2.5 से 3 inches का साइज है, एडल्ट साइज सोटेल्स है। या तो इनका कैसा है प्राइस रेंज कोइज का? काबोटा कोई है वो 180 का पेयर है। ओके 180 का पेयर है। या एंड जो सोटेल्स है मार्बल सोटेल्स वो 150 का पेयर है। 150 का पेयर है। ओके टाइगर शार्क वो 80 rupees पेयर है। ओके 80 rupees पेयर। तो फ्रेंड्स इसमें एंजल्स का वैरायटीज है। तो ये कौन से एंजल्स है? ये BSP एंजल है, बल्गेरियन सील पॉइंट। अच्छा ये लोकल ब्रेड है। ओके इसमें हमारे पास प्रीमियम क्वालिटी भी आता है। ओके अभी ये जो है ये अराउंड 2 से 2.5 inch का है। और इनका कैसा है प्राइस रेंज? ये 300 rupees पेयर है। ओके 300 rupees पेयर है। और अंदर एक ब्रिस्टल नोज प्लेको है, राइट? या ब्रिस्टल नोज प्लेको है, वो मेल है जो ओके बैठा है अंदर। ओके उसमें एक रीडिंग पेयर है, अभी वो उनका मेटिंग नहीं हुआ है यहाँ पे। अच्छा रिलोकेशन की वजह से थोड़े डिस्टर्ब हो गए। ओके ओके तो ये जो प्लेकोस के ऐसे ब्रीडिंग के भी मिलेंगे आपके यहाँ? या मिलेंगे। और फ्रेंड्स इसमें टाइगर बाब्स है और अल्बिनो टाइगर बाब्स है जो अराउंड 1 inch से थोड़े ऊपर है। और इसका कैसा प्राइस रेंज? ये 80 rupees पेयर है। ओके इसमें विल्डेन टाइगर बाब्स है और कुछ रेगुलर टाइगर बाब्स भी है। या और ये एक टैंक है जिसमें ब्लैक फैंटम है, राइट? ब्लैक फैंटम टेट्रा है, कोलंबियन टेट्रा है। या इसमें ये एग्जॉटिक वेरायटी है, ब्लीडिंग हार्ट टेट्रा, ये बहुत रेयर वेरायटी का टेट्रा है, ब्लीडिंग हार्ट जो रेड डॉट आपको दिख रहा है बीच में। या ये वाला, ये ब्लेंडेड एक्वेरियम में एकदम वाइब्रेंट कलर लेता है, ब्लीडिंग हार्ट। ओके ओके ये देखिए ब्लीडिंग हार्ट टेट्रा। और क्या प्राइस रेंज है ब्लीडिंग हार्ट टेट्रा का? ब्लीडिंग हार्ट टेट्रा जो है वो 600 rupees का पेयर है। ओके ओके और जो कोलंबियन और ब्लैक फैंटम टेट्राज है वो 80 rupees पेयर है। ओके ओके तो ये कौन सा बिचीर है? ये डेलेजी बिचीर है, जो हमने बड़ा साइज देखा था, हाँ उसी का ये छोटा साइज है, 4 inches का। ओके फिलहाल अभी दो है, राइट? यहाँ दो पीस है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। और टाइगर बाब्स है इस टैंक में, राइट? और ये साइज का जो है इनका क्या प्राइस है? बाइशर जो है ये डेलेजी, ये 1000 rupees का है पर पीस। ओके ओके तो फ्रेंड्स इस टैंक में श्रिम्स है, इसमें ब्लू श्रिम्प है, देन रेड रिली भी है, जो रेड एंड व्हाइट आता है वो है। या देन ये येलो एकदम अच्छा क्वालिटी वाला है, जो येलो बैक आता है ना, हाँ गोल्डन बैक वाला येलो श्रिम्प है। या तो ये श्रिम्स का कैसा है प्राइस? ये 140 rupees से चालू है, तो 140, 160 और 200 ऐसा प्राइसिंग है। ओके ओके और फिलहाल इसमें एक ब्लू भी है श्रिम्प, राइट? राइट ब्लू श्रिम्प है। तो इसका कैसा है प्राइस रेंज? ये 200 rupees पेयर है, ड्रीम ब्लू श्रिम बोलते हैं इसे। ओके ओके तो फ्रेंड्स इसमें सेंटा क्लॉज सोटेल है जो अराउंड अभी रहेंगे 2 inches के साइज में है। तो इनका कैसा है प्राइस रेंज? ये 100 rupees पेयर है। ओके 100 rupees पेयर। ओके और इस टैंक में कुछ अलग अलग फिशेस है, तो कौन कौन से फिशेज है इसमें? इसमें ये एम्बर टेट्रा है, फिर ये लंबा वाला रेड बेकफोर्ड पेंसिल फिश है। Yeah. फिर अगर बॉटम में आप देखोगे तो एक एक्सोटिक वैरायटी के गोबीज है, हाँ नियॉन ब्लू गोबीज है। या आप प्लांटेड एक्वेरियम में रखोगे तो प्रॉपर इलेक्ट्रिक ब्लू कलर्स लेते हैं। ओके ओके और बैक साइड में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी है। तो लेफ्ट साइड में मैं जो आपको फोटो दिखा रहा हूँ ये नियॉन ब्लू गोबीज का है। तो ये पेंसिल फिश भी प्लांटेड टैंक में और ये करेंगे ना? राइट प्लांटेड में पूरा रेड कलर लेगा वो। ओके ओके और इसका कैसा है प्राइस रेंज पेंसिल फिश का? पेंसिल फिश का 150 rupees पेयर है। Okay. और एम्बर टेट्रा 100 rupees पेयर है।
और ये नियॉन गोबी ब्लू, नियॉन गोबीज जो है वो 350 का पेयर है। ओके ये देखिए यहाँ पे नियॉन गोबी है। स्नेल्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ये कौन से स्नेल है? ज़ेब्रा मेराइट स्नेल्स है। ये 160 रुपीस का पेयर है। ओके ओके इसमें मल्टीपल टेट्रास है, तो ये आप व्हाइट कलर में देख रहे हो, ये एल्बिनो प्रिस्टेला है। हाँ। तो पूरा मिल्की व्हाइट कलर होता है। लेकिन रेड कलर वाले फ्लेम टेट्रास है, तो प्लांटेड में बहुत बढ़िया कलर लेते हैं। लेकिन ऑरेंज लाइन वाले ग्लो लाइट टेट्रास है। हाँ। और पीछे ये ब्लैक नियॉन टेट्रास है, सामने भी है थोड़े। हाँ। ये ब्लैक नियॉन टेट्रा है। ओके तो इनका कैसा है प्राइस रेंज? ये 60 रुपीज से 80 रुपीज तक पेयर है। पेयर है ओके ओके। और इस टैंक में रैम्स है और शॉर्ट बॉडी रैम्स भी है, वो गोल्डन रैम्स है शॉर्ट बॉडी में? शॉर्ट बॉडी वाले जो है वो गोल्डन बलून रैम्स है। ओके और फिर लॉन्ग बॉडी में जर्मन ब्लू रैम है और इलेक्ट्रिक ब्लू रैम है। ये एकदम ज्वेनियल साइज है 1 इंच का, तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा एकदम वाइब्रेंट कलर्स लेंगे। तो ये रैम्स का कैसा है प्राइस रेंज? ये जो लॉन्ग बॉडीज है वो 150 रुपीज पेयर है। ओके और जो बलून रैम्स है वो 400 रुपीज पेयर है। ओके ओके तो फ्रेंड्स यहाँ पे जंबो साइज के कार्डिनल टेट्रास है। तो ये जो कार्डिनल टेट्रास है इनका कैसा है प्राइस रेंज? जंबो कार्डिनल है वो 250 का पेयर आता है। ओके और 1350 का डजन आता है। अच्छा और रमिनोस टेट्रा 150 का पेयर है। ओके और 700 का डजन है। ओके ओके तो फ्रेंड्स इस टैंक में नियॉन टेट्रास है और कुछ प्लांट्स है। तो नियॉन टेट्रास अराउंड 1 इंचेस के है, तो इनका कैसा है प्राइस रेंज? 60 रुपीज पेयर है और 300 का डजन है। और ये जो प्लांट्स है ये कौन से है? ये बल्बाइटस हेट्रोक्लिटा है डिफॉर्मिस। ओके ओके वैरायटी में। ओके ओके तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ बीटास का स्टॉक है, तो ये फुल ब्लैक में है राइट? या फुल ब्लैक कलर में है। पहले फुल मून है। ओके कॉपर ब्लैक कलर में अवेलेबल है। या ये फुल व्हाइट कलर का बेटा है। या प्लैटिनम व्हाइट, ये डबल टेल में है। ओके फुल मून डबल टेल। यहाँ पे कुछ कैंडी ब्लैक आर्ट्स है। या ब्यूटीफुल कैंडी ब्लैक आर्ट्स है, फेस पूरा व्हाइट है। और यहाँ पे भी है, ये देखिए कैंडी फुल मून, बहुत ही ब्यूटीफुल कलरेशन है इसका। ये भी डबल टेल है राइट? यस डबल टेल है, डबल टेल फुल मून में। सब यूनिक कलर्स के मीटर है। ये देखिए फैंसी कलर कैंडी में ही आता है। या और यहाँ पे भी एक है ब्लैक कॉपर है, और ये रॉयल ब्लू कलर में है बेटा, फुल मून बेटा ही है ये भी। या यहाँ एक है, यहाँ पे एक है। या और ये भी एक है राइट, ये कैंडी में है, बहुत ही ये भी डबल टेल बेटा है। अभी ये फ्लेयर नहीं करते, इनको थोड़ा एक साथ आदत हो गया है, जब इनको मिरर दिखाएंगे तो पूरा 180 डिग्री फ्लेयर करेंगे वो। हाँ हाँ ये भी बहुत ब्यूटीफुल कलरेशन है। तो ये भी डबल टेल है? या डबल टेल बेटा है। Okay. ये पिंक कलर में आता है। या बहुत ही अच्छा शेड है पूरा इसका। तो फ्रेंड्स ये एक और एक बीटा है यहाँ पे डबल टेल का, ये गोल्डन कलर में है, तो बहुत रेयरली इतना प्योर कलर आता है। और डबल टेल है उसमें भी हो। क्या रेंज में रहेंगे ये सब? ये एनी बेटा आप लीजिए 200 ईच आएगा। और देखिए आप बहुत से ब्यूटीफुल कलरेशन के बीटा है और स्टॉक हमेशा आते रहता है वीकली, वीकली स्टॉक आता है। ये कैंडी कलर में है। या ये भी बहुत अच्छा है, इसके फिन्स का भी अलग अलग कलर है, वो अपर साइड में फैंसी कलर में आता है। या ये मस्टर्ड गैस है। हाँ मस्टर्ड गैस है, ये सॉलिड रेड कलर है, मेटालिक ब्लू कलर है। ये भी कलर बहुत यूनिक है। या पूरा मेटालिक ब्लू में आता है। या ये भी एक कैंडी में फैंसी आया है। या पिंक कलर में, पिंक कलर में। तो बहुत से बेसिकली बीटास मिलेंगे आपको यहाँ पे। ये जंबो साइज ब्लड रेड टैंजेरिन्स है। ओके ओके पूरा जंबो साइज है, 3.5 इंच के फिश है। या ये 3.5 इंच के फिश है और यहाँ पे भी बहुत बड़े साइज के फिश है ये भी। ये ग्रीन मार्बल स्वर्टेल्स है। या ये भी और जंबो साइज में है। या तो इनका कैसा है प्राइस रेंज? ये ओनली 250 रुपीज पेयर है। ओके 250 रुपीज पेयर है। ओके ये देखिए का प्लांट्स है, तो ये कौन से प्लांट्स है? एनुबियस ग्रासिलिस का स्टॉक है। ओके ओके फ्रेश स्टॉक आया है 2 दिन पहले। ओके ओके तो ये एपीफाइट प्लांट है बड़े लीव्स में। अच्छा गोल्ड फिश डिस्कस सिक्लिड्स के टैंक में ये इजीली रख सकते हो। ओके ओके तो फ्रेंड्स इसमें फीमेल बीटास है, तो इसमें कुछ कैंडीज भी है और नॉर्मल बीटास भी है फीमेल में। ये सब फीमेल का ही टैंक है हमारा। या इसमें कैंडी के भी फीमेल्स है, रेगुलर सॉलिड कलर्स फैंसी कलर्स में भी फीमेल्स अवेलेबल है। या तो रेडी टू ब्रीड भी कुछ पीसेस अवेलेबल है बड़े साइज में। ओके
तो इनका कैसा है प्राइस रेंज? ये 150 है रेगुलर फीमेल्स और कैंडी के फीमेल्स 250 को है। ओके ओके। ये नीडल लीफ फन है, एग्जॉटिक वैरायटी का फन है, स्लेंडर लीफ में आता है। या तो जावा फन के जैसे ब्रॉड लीव्स नहीं होते, इसके स्लेंडर और हाइट में ग्रो होता है, बंच में ग्रो होगा। ओके। यूनिक वैरायटी का फन है। या या। तो ये भी लो टेक लाइट? लो टेक है, आप रॉक या वुड के ऊपर इसको लगा सकते हो। ओके ओके। इस टैंक में डेमासोनी सिकलेट्स है जो अराउंड 1.5 इंच के है अभी, तो ये भी नॉर्मल सिकलेट्स के साथ रख सकते हैं इनको? ये आप मलावीज के साथ रख सकते हो। ओके। सेम साइज सिकलेट्स के साथ इजीली रहेंगे, वाइब्रेंट डोमिनेंट ब्लू कलर में आता है। ओके। इसका प्राइस है 250 पेयर। ओके, 250 पेयर है। ओके। तो ये गोल्डन पल अरवाना है यहाँ पे जो अराउंड 4 इंचेस का रहेगा। ये फर्स्ट टाइम इतना छोटा साइज में आया है। या तो बहुत लोगों का डिमांड होता है कि छोटा साइज में अरवाना चाहिए, जिनको बड़ा करने का एक्सपीरियंस लेना है। हाँ। तो वो ये रख सकते हैं। लाइव फीडिंग देना पड़ेगा, फीडिंग का फिर दे सकते हो या ब्लड वर्म दे सकते हो। हाँ हाँ। फिर बड़ा होने के बाद इसको ड्राई फूड से कन्वर्ट करिए। तो इसका कैसे है प्राइस? ये 4000 रुपीज का है। ओके। तो ये कुछ न्यू स्टॉक आया था, इसमें ओरंडा बिग साइज का 500 रुपीज पैर है जो 4 इंचेस के है, और क्लाउन लोच है जो 2.5 इंच के है वो 800 रुपीज पैर है। तो इसमें पिग्मी कोरिडोरस है जो अराउंड 300 रुपीज पैर है, और ये बोलेवियन रैम है जो अभी सेट नहीं हुआ है टैंक में, इनका प्राइस 350 रुपीज पैर है और साइज 1.5 इंच का है। और गप्पी का भी स्टॉक आया था यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, ये पूरा इनका ड्राई सेक्शन है जिसमें टैंक्स है, ड्रिफ्टवुड्स है, रॉक्स है, सैंड्स है, शोपीसेस है, और ये साइड में भी टैंक्स है, कैनिस्टर फिल्टर्स है और टॉप फिल्टर, हैंग ऑन फिल्टर, सैंड्स है। तो चलिए मैं आपको टैंक्स पहले हम लोग कवर करते हैं। तो ये अराउंड अभी 2 फीट का टैंक है यहाँ पे, ये भी 2 फीट का, राइट? ये 2 फीट का है, ये 1.5 फीट का टैंक है रेड वाला। ओके। और ये वाला? ये सेमी सर्कल है। ओके। 15 इंचेस वाला। 15 इंचेस का, ये थोड़ा स्मॉल साइज में है। हाँ, ये यू शेप टैंक है, बुलेट टैंक बोलते हैं इसे। और ये भी वैसी यू शेप टैंक में, यू शेप का बड़ा साइज है वो। ओके। और यहाँ पे कुछ ड्रिफ्टवुड्स बोल सकते हैं इसको ना? ये बॉन्साई वुड है, इम्पोर्टेड वाला। हाँ। हैंडक्राफ्टेड आते हैं। ये वाला डिजाइन फर्स्ट टाइम इंडिया में आया, लास्ट मंथ इम्पोर्ट हुआ था। ओके ओके। ये फर्स्ट डिजाइन है, डेंस पैटर्न में आया है। या और बहुत ही यूनिक है, और इसका हाइट रहेगा कुछ 6 to 8 इंचेस के आसपास। 8 इंचेस का हाइट है। या और स्मॉल साइज में भी आपको देखने मिलेगा। तो ये देखिए, ये भी वही पैटर्न में है, स्मॉल साइज में, जिसको नैनो टैंक में कुछ करना है, इसमें प्लांट्स लगा सकते हैं, बना सकते हैं। या प्लांट्स लगा के, और इसे क्या बोलेंगे? ये रूट वुड में बॉन्साई है। ओके। ये भी अभी नया नया आने लगा है, बायोटोप एक्वेरियम में ज्यादा यूज होता है। ओके ओके। और ये कौन से वुड है यहाँ पे? ये हनीकॉम वुड है। ओके। ये बहुत दिनों बाद ये बाद में आया स्टॉक में, बहुत 2-3 साल नहीं था ये स्टॉक में। अच्छा। तो लकीली ये अवेलेबल हो गया है। या और अच्छा खासा स्टॉक है ये, बहुत बड़े बड़े साइज के वुड है। एक मैं आपको हाथ में पकड़ के दिखाता हूँ, बहुत हैवी भी है। तो ये अराउंड 1.5 फीट का रहेगा ये इतना सा वुड। यहाँ पे तो सिर्फ हमने डिस्प्ले स्टॉक रखा है। अच्छा। हमारे पास 2-2, 2.5-2.5 फीट के साइज के भी ये वुड्स अवेलेबल है स्टॉक में। ओके ओके। तो ये कैसे केजीज पे जाते हैं? केजीज के ऊपर जाते हैं। ओके ओके। अभी हमने इसका अच्छा प्राइस रखा है, 1350 पर केजी का रेट रखा है इसका। ओके, 1350। इंट्रोडक्टरी ऑफर बोल के। अच्छा अच्छा। और ये एक बड़ा टैंक है, तो ये कितना फीट का टैंक है? ये 3.25 फीट का टैंक है, मेटल हुड में आता है। या और ये कौन से कंपनी का है? आरएस का टैंक है ये। अच्छा। एक्स्ट्रा क्लियर ग्लास में आता है, और ये लाइट भी है इसके साथ। ये आरजीबी लाइट आता है इसके साथ। ओके। इसमें सेपरेट डोर आते हैं, आपको टैंक एक्सेस करने के लिए सेपरेट डोर है। अच्छा, दो डोर। हाँ, फिल्टर एक्सेस करने के लिए 2 डोर है। या तो यहाँ पे ये फिल्टर बॉक्स पूरा बाहर आ जाता है, तो इजी टू क्लीन है, और ये बहुत अच्छा है ये। इसमें हमारे पास 4 फीट में भी टैंक अवेलेबल है, यहाँ पे शॉप में नहीं रखा है। हाँ। गोडाउन पे माल पड़ा हुआ है उसका। ओके। और ये पूरा मेटल का, ये पूरा मेटलिक वुड आता है। ओके। और ये इसमें एक ही टाइप का लाइट है ना? राइट, एक टाइप का लाइट है। ओके। इसे हम मल्टी कलर भी अगर अपग्रेड करना है तो क्लाइंट्स को हम मल्टी कलर का ऑप्शन भी अपग्रेड करके दे सकते हैं। ओके ओके। और एक यहाँ पे एक आरएस का टैंक है जो अराउंड 2.5 फीट रहेगा, राइट? या 2.5 फीट, 27 इंचेस का टैंक है। ओके। इसमें 31 इंचेस का भी अवेलेबल है। ओके ओके। और भी बहुत से टैंक है, सोबो के टैंक्स है यहाँ पे।
और स्मॉल साइज में भी है, ये शायद 2 फीट का है ये, पर ये थोड़ा फ्लैट है, स्लिम सीरीज है ये। और इधर आरएस के स्मॉल साइज के टैंक्स है 1.5 फीट के व्हाइट में विथ लाइट एंड फिल्टर। और ये एक कैनिस्टर फिल्टर है यहाँ पे रीसन का, ये कैनिस्टर फिल्टर्स है रीसन के। इसमें अच्छा। इसमें 4 मॉडल्स आते हैं, चारों मॉडल्स हमारे पास अवेलेबल है। ओके। इसमें बेस्ट पार्ट ये है कि ये आपको आउटपुट फ्लो जो है टैंक में वो बहुत बाकी ब्रांड्स के मुकाबले बहुत अच्छा फ्लो देगा। ओके ओके। आप कोई भी 1200 फ्लो रेट का फिल्टर इसके आगे लगाइए और ये 1000 लीटर का फ्लो रेट है। हाँ। ये आपको इस उससे ज्यादा फ्लो देगा टैंक में। ओके ओके। और मैं एक अंदाजा इसका जो है अभी रीसन का ये EF1000 इसका कितना टैंक कैपेसिटी होएगा? ये आपका 4 फीट तक चल सकता है। ओके, 4 फीट के टैंक्स के 3 फीट से 4 फीट तक। ओके, आप 2.5 फीट में भी लगा सकते हो अगर हेविली स्टॉक टैंक है तो। ओके ओके। फिल्टर ग्रेक का हैंग ऑन फिल्टर है। हाँ। बट ये विद यूवी फिल्टर है, तो जिसको एल्गी का इश्यू आ रहा है, आउटडोर टैंक है या बैल्कनी में रखा है। हाँ। तो आप वो ये फिल्टर यूज कर सकते हो। ओके ओके। ये इनबिल्ट यूवी है इसमें। हाँ। और ये प्रीमियम क्वालिटी में फिल्टर आता है, जो रेगुलर आप हैंग ऑन मार्केट में देखते हो उससे अलग है और इसमें बहुत फर्क है। अच्छा, तो इसमें कुछ अलग फिल्ट्रेशन सिस्टम है? इसमें पूरा कार्ट्रेजेस है, मल्टी मीडियाज है अंदर। अच्छा अच्छा। और फिर यूवी कंपार्टमेंट भी है, सरफेस स्कीमर भी है और ये ऑटो कट ऑफ है। और ये लाइट आएगा जाएगा तो अपने आप ये चालू होगा। तो ये 2 फीट के टैंक के लिए सफिशियंट है? ये 2 फीट से 2.5 फीट तक चलेगा। ओके, 2 फीट से 2.5 फीट तक। और मैं हाथ में आपको एक पकड़ के दिखाता हूँ, ये इतना बड़ा है, अराउंड 8 इंचेस तो रहेगा ये। फिर इसमें हमारे पास रीसन के भी फिल्टर्स है, रीसन के भी सब मॉडल है, ये भी प्रीमियम क्वालिटी में है। Okay. ये आपको स्ट्रॉन्ग फ्लो देंगे। अभी आप रेगुलर जो हैंग वंस लगाते हो इसमें 1-1.5 महीने बाद प्रॉब्लम आएगा कि वो फ्लो बहुत कम हो जाता है। हाँ। इसमें वो इशू कभी नहीं आएगा, एकदम पावरफुल फ्लो ये देता है। Okay. मैं आपको इसका वर्किंग वीडियो भी शेयर करूंगा। ओके ओके। जबरदस्त ये फ्लो देता है और बिल्ड क्वालिटी भी इसका अच्छा है। फिर इसमें एक अलर्ट सिस्टम भी है, जब भी आपका क्लीनिंग का टाइम आएगा तो ये ब्लू से रेड हो जाता है, इसका एक अलर्ट रहता है ऊपर। अच्छा। ब्लू से रेड हो जाएगा वो, तो अब तब आपको उसको क्लीन करना है। तो ये एक अच्छा है। और ये भी 2 से 2.5 फीट के टैंक्स के लिए? इसमें सब मॉडल्स मेरे पास अवेलेबल है। Okay. 1 फीट से लेके आप 4 फीट तक लगा सकते हो। ओके ओके। और ये देखिए, ये ब्रीडिंग कोन है डिस्कस का, राइट? तो ये भी यहाँ पे अवेलेबल है। प्लांटेड टैंक के लिए यहाँ पे सॉइल्स है, तो ये ट्रॉपिका का है, राइट? ये ट्रॉपिका का है, प्लैटिनम है। हाँ। फिर हमारे पास WA का भी सॉइल है, फ्लूअल का सॉइल अवेलेबल है। ओके। 3 kg, 2 kg, 9 kg, सब साइजेस अवेलेबल। ये कितना kg का है? ये 3 kg का है। अच्छा, ये भी 3 kg का है। और ये कोरल सैंड है, ये बहुत दिनों बाद ये भी स्टॉक में आया है। सिकलेट्स के लिए, सिकलेट्स और जो मरीन टैंक के सेटअप करते हैं इसमें ये कोरल सैंड, ये प्योर कोरल्स है, ये ऐसा फेक सैंड नहीं है। ओके। इम्पोर्टेड सैंड आता है ब्लू ट्रेजर कंपनी का, ये आपको हाई पीएच मेंटेन करने में काम आएगा। ओके ओके। ये 5 kg का पैकिंग में आता है। ओके। और ये बॉन्साई और टेरेरियम के लिए यूज होता है, ये एकेडमा सॉइल बोलते हैं। ओके। तो ये भी अभी नया सॉइल आया है मार्केट में। Yeah. इसको आप कोई बॉन्साई करते हैं, इंडोर बॉन्साई करते हैं, या फिर आप टेरेरियम बना रहे हो, श्रिम टैंक बना रहे हो। हाँ। श्रिम टैंक के लिए भी ये बहुत बढ़िया सॉइल है। yeah, और ये AF बायोसैंड, ये बायोसैंड है, व्हाइट शुगर सैंड जैसा आता है। ओके। बट ये नेचुरली सिलेक्टेड सैंड है और yeah. पूरा प्री वॉश्ड आता है। इसमें आपको 2 कल्चर बॉटल्स आते हैं बैक्टीरिया के। Okay. जो आप सैंड में मिक्स करके फिर टैंक में एड कर सकते हो, जिससे टैंक आपका इमीडिएटली साइकिल हो जाएगा। ओके ओके। और एक रीसन का पावर फिल्टर भी है ये इंटरनल, राइट? या ये इंटरनल पावर फिल्टर्स है, तो अच्छा क्वालिटी में है ये। या इसमें भी स्मॉल साइज एक है जो मॉडल नंबर BC300 है और एक बड़ा साइज में है BC450। और यहाँ पे प्लास्टिक प्लांट्स का पूरा स्टॉक है, जिनको लाइव प्लांट्स नहीं रखने तो वो ये स्टॉक रख सकते हैं ऐसा प्लास्टिक प्लांट्स का। और ये एक टैंक है, मेरे को अच्छा लगा ये, दोआ के जैसा ये टैंक बनाया हुआ है। ये बनाया हुआ है, ये प्रीमियम फिनिश में टैंक बनाया है, मशीन पॉलिश करके 0 सिलिकॉन फिनिश में आया है। इसमें सिर्फ बॉन्ड्स है। Okay. आपको किधर भी सिलिकॉन वर्क अंदर नहीं दिखेगा। Yeah. तो ये 6 इंच क्यूब है बेटा का। Okay. इसमें आपको हम जो साइज चाहिए वो ये फिनिश में हम बना के दे सकते हैं। Okay, 4 फीट, 5 फीट, 3 फीट, जो भी साइज चाहिए ये फिनिश में आपको बना के मिलेगा। अच्छा अच्छा, तो ये बहुत सा अच्छा टैंक है ये, और क्लियरिटी भी इसकी अच्छी है, एकदम अच्छा क्वालिटी का आता है ये। ये एक्स्ट्रा क्लियर में? ये एक्स्ट्रा क्लियर में है, इसमें रेगुलर ग्लास में भी बनेगा, एक्स्ट्रा क्लियर में भी बनेगा, जैसा Okay. आपका रिक्वायरमेंट है जो साइज चाहिए वैसा। ओके। तो ये जेनिका का इंटरनल फिल्टर है,
ये इंटरनल हैंग ऑन है, इसमें तीन मॉडल आते हैं, तीनों मॉडल अवेलेबल है। ये आपको प्लांटेड एक्वेरियम और मरीन एक्वेरियम के लिए यूज कर सकते हो। इसमें पूरा मीडिया का बास्केट आता है अंदर। अच्छा। और ये फ्लो डाइवर्टर आता है, इसे आप फ्लो किधर भी डाइवर्ट कर सकते हो टैंक में। ओके ओके। बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन करेगा। या सुबह के हैंग ऑन फिल्टर भी है यहाँ पे, तो ये सरफेस स्कीमर के साथ है। राइट राइट, सरफेस स्कीमर के साथ है। ओके। ये भी है, इसमें ये नया बड़ा साइज का भी है यहाँ पे। राइट, ये भी अवेलेबल है। और ये हेलिया का भी, ये इंटरनल फिल्टर है। ये इंटरनल फिल्टर है, पावर फिल्टर। ओके। ये अगर रेगुलर पावर फिल्टर से आप तंग आ गए हो, हाँ, तो ये अच्छा क्वालिटी में। इसके अंदर कार्बन मीडिया भी आता है स्पंज के अंदर। ओके ओके। और स्प्रे बार के साथ आता है, तो विद स्प्रे बार विदाउट स्प्रे बार आप इसको यूज कर सकते हो। ओके। और लाइट्स भी यहाँ पे अवेलेबल है, ब्लू पेट से लेके कौन से कंपनी मेरे पास ब्लू पेट्स के लाइट्स है यहाँ पे। या ये सब डब्ल्यू आरजीबी भी है और व्हाइट ब्लू जो आता है वो भी है अवेलेबल। ओके। इसमें फिर इसमें ये ब्लू पेट में नया सीरीज आया है डब्ल्यू आरजीबी में। हाँ। इसमें मेरे पास 1 फीट से लेके 3.5 फीट के लाइट्स अवेलेबल है। ओके ओके। यहाँ पे लाइट्स है अलग अलग, सनसन के, ब्लू पेट्स के। और ये कौन सा लाइट है? ये नियो हिलियोस का सोलर कलर बूस्टर लाइट है। ओके। ये एरवाना और बाकी फिश के लिए टैनिंग लाइट आता है कलर इम्प्रूवमेंट के लिए। अच्छा, ये टैनिंग लाइट जैसा है। राइट। तो ये 4 फीट और क्या साइज में है? ये 3 और 4 फीट दोनों साइज में अवेलेबल है। ओके ओके। और ये ब्लू पेट का प्लांटेड के लिए लाइट? राइट, ये डब्ल्यू आरजीबी लाइट है ब्लू पेट का। ओके। तो ये है मॉडल नंबर BR800। और ये कितना? 3-4 फीट। ये 2.5 फीट का टैंक के लिए है, 2.5 फीट से 3 फीट के लिए। ओके। इसमें 1000 मॉडल आता है वो भी अवेलेबल है। और ये सनसन का जो लाइट है, ये 700C मॉडल है। हाँ। सनसन में हमारे पास सब साइज अवेलेबल है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो फिलहाल ये वाला अभी 3 फीट के लिए रहेगा। ये 2.5 फीट का, 2.5 फीट के लिए। ओके ओके। तो बहुत से लाइट्स है, और एक मैं लाइट दिखाना चाहूंगा। तो ये कौन सी लाइट है? ये भी ब्लू पेट की लाइट है। ओके। ये प्रीमियम क्वालिटी में आती है मेटालिक फिक्स्चर में। या ये व्हाइट एंड ब्लू लाइट आती है। या, या। और इसका आप ब्राइटनेस पूरा कंट्रोल कर सकते हो, देन नंबर ऑफ एलईडीज भी आप कंट्रोल कर सकते हो। अच्छा, चेंज होते रहेगा। राइट। नहीं, आप मैन्युअली आप एडेप्टर से कंट्रोल कर सकते हो। अच्छा, तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये इनका एडेप्टर है यहाँ पे। तो इसमें ये साइड से ऐसा चेंज हो जाएगा, आप ऑन ऑफ करके वो चेंज हो जाता है। या या। तो ये अभी कितना फुट का रहेगा? ये 3.5 फीट का है। ये 4 फीट के टैंक तक जाता है। ओके ओके। हमारे पास 4.5 फीट का भी अवेलेबल है। ओके ओके। तो फ्रेंड्स, ये रिपीट का राइट है, इसमें कलर चेंज होता है। राइट। ये व्हाइट ब्लू कॉम्बिनेशन आता है, फिर आरजीबी आता है। या डब्ल्यू आरजीबी कॉम्बिनेशन आता है। ओके ओके। और इसमें लावा रॉक्स है। राइट। या लावा रॉक्स है। ओके। फिर कुछ बूसी फ्लैंडर उसमें अटैच किए, बूसी फ्लैंडर प्लांट्स है। या या। देन ये बॉल बाइटर्स एक रखा है ऐसे ही। ओके ओके। और फिश है इसमें। या तो इसमें ये कौन सा फिशेस है? ये एक्सोटिक वैरायटी में आता है, स्पॉटेड हेड स्टैंडर्ड बोलते हैं इसे। ओके। ये हमेशा ऐसा मुंह नीचे लेके ही खड़ा होता है, इसलिए उसका नाम है हेड स्टैंडर्ड। और ये थ्रेडफिन? ये थ्रेडफिन रेनबो है, बलून वाला। ओके। बलून वाला आपको हमेशा नहीं मिलेगा, एक्सोटिक वैरायटी है। या कुछ पैंडा गैराज है, आपको किसी को एक्सोटिक गुड लुकिंग एलिगेटर चाहिए तो आप पैंडा गैराज रख सकते हो। या या। छोटा सा जो टैंक मैंने बताया था एक्स्ट्रा क्लियर में है, जो इसमें भी लावा रॉक है। राइट। ये लावा रॉक में ये किया है। ओके। और इसमें एक एनुबियस नाना गोल्ड वैरायटी का प्लांट है। या फिर एक बिंडल ऑफ फर्न का छोटा साइज में प्लांट है। हाँ। इम्पोर्टेड सैंड डाला है नीचे। हाँ। और एक फैंसी बीटा रखा है। या तो ऐसे कलरफुल बीटा है जो मैं आपको दिखाऊंगा। और ये लाइट आरएस की है? ये ब्लू पेट की लाइट है। ओके। ब्लू पेट की लाइट। और नैनो टैंक के लिए आती है ये। प्लांटेड के लिए भी सुटेबल है। ओके। और मल्टी कलर लाइट है ये भी, कि आपको ऐसी पिंक होगी। Okay. वाइट पिंक होगी। या प्योर वाइट होगी। और फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ रॉक्स है और सैंड्स है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ ब्लैक लावा रॉक्स भी है यहाँ पे, वो भी मैं दिखाऊंगा। तो ये शुगर सैंड है। राइट राइट। ये शुगर सैंड है और ये बिग क्रिस्टल्स में है। या, इसमें फाइन शुगर भी आता है, वो भी अवेलेबल है। या या। और ये रेड चिप्स है। अच्छा। यहाँ पे ये नेचुरल सैंड है, ग्रेवल टाइप में है। हाँ। देन ये लोकल रिवर सैंड है। या ये वाला। और इसमें हमारे पास ये इम्पोर्टेड सैंड भी आया है। ओके। ये गोल्डन सैंड है। ओके। और ये इनर्ट है, ये आपका पीएच चेंज नहीं करेगा। ओके। डिस्कस टैंक, प्लांटेड टैंक में ये यूज होता है। ओके। जो एडीए का लापलेटा सैंड आता है। हाँ। सेम वही टेक्सचर है, बट बहुत कम प्राइस में आएगा। ये 150 रुपीज केजी का रेट से आता है। ओके ओके। और ये इम्पोर्टेड सैंड है, ग्रीनलैंड कंपनी का। ओके। ये प्लांटेड में ज्यादा यूज होता है, ये विथ न्यूट्रिएंट्स आता है। ओके ओके। और ये ब्लैक शुगर है। ब्लैक शुगर सैंड है। फिर ये मरीन का आता है क्रश सैंड, ये सिक्लिट्स के लिए ज्यादा यूज होता है। ओके ओके। क्रश सैंड। क्रश सैंड। राइट। फिर ऐसे यहाँ पे कलरफुल स्टोन्स भी है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे लावा रॉक्स भी है, ये देखिए बड़े साइज में रेड लावा रॉक। और ये कौन सा रॉक है? ये होल्ड रॉक है, उसके साइड में स्लेट रॉक है, या फिर ये मल्टीलेयर रॉक है। मल्टीलेयर रॉक्स है और ये भी लावा रॉक्स है, राइट? ये कोर्स लावा रॉक है, पेबल में आया है, रिवर पेबल में। ये मैंने कभी देखा नहीं ऐसा, ये नया वेराइटी आया है। या और सब ऐसे राउंड शेप में है, तो ये एक अच्छा सा स्टोन है यहाँ पे, ब्लैक लावा रॉक्स। और ये कौन से रॉक है? ये स्लेट रॉक के छोटे छोटे पीसेस है, तो ये स्केप करते समय डिटेलिंग के लिए यूज होते हैं। या और बहुत से है ये, और यहाँ पे भी कुछ रॉक्स है, और ये पेबल्स है, ये नेचुरल पेबल्स है, रोडी बोलते हैं इसे। या फिर इसमें ये ऑनिक्स में भी आए हैं प्रीमियम क्वालिटी में, ये भी नेचुरल है, आर्टिफिशियल कलर्स नहीं है ये। ओके फिर ये पॉलिश करके आते हैं। ओके फिर रेगुलर कलर पेबल्स भी अवेलेबल है। या देन चिप्स है अवेलेबल, चिप्स भी अवेलेबल है, ये रेड चिप्स है। या ये पूरा इनका फूड का सेक्शन है, जिसमें इकारी के सब प्रोडक्ट्स मिलेंगे आपको, सिकलेट से लेके अरवाना के फूड स्टिक्स है, और गोल्डफिश फूड्स है, एलगे वेफर्स भी है, और ये देखिए इकारी ओरंडा गोल्ड भी है। इसमें स्मॉल पैकेट्स और बड़े पैकेट्स भी मिलेंगे आपको, और ये भी है सिंकिंग सिकलेट गोल्ड, ये सिंकिंग सिकलेट एक्सेल, तो कलरेशन के लिए बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स है इकारी के। तो कस्टर का फ्लावर ऑन फूड है, ओके, नया ब्रांड आया है। या फिर उसमें ओकीको प्लैटिनम है, ये भी अभी रिसेंटली आया है, ओके। ये 100% ओरिजिनल है, यहाँ पे नीचे आप ओकीको का ब्रांडिंग देख सकते हो। या तो थोड़ा लाइट कलर में आपको दिखेगा, हाँ ओकीको ब्रांडिंग है इसके ऊपर एकदम लाइट कलर में, तो ये 100% ओरिजिनल है। मार्केट में बहुत सारे डुप्लीकेट है इसके। ओके और प्रोबायो है, ये डुअल कलर एनहांसर में आता है। हाँ फिर हिकारी का वाइब्रा वाइट्स है, ये बेबी पैलेट में भी है और रेगुलर पैलेट में भी अवेलेबल है। ओके फिर और ये ऐसे डिजिटल थर्मामीटर्स भी अवेलेबल है यहाँ पे, डिजिटल है, एनालॉग भी है। या और ब्लैक वर्म पैलेट्स भी मिलेंगे आपको ड्राई में। या ये भी बहुत अच्छा क्वालिटी का माइक्रो पैलेट है, ब्लैक वर्म पैलेट, इसका ग्रोथ रेट बहुत अच्छा है, फिशेस पे आपको विजिबल रिजल्ट दिखेंगे विद इन 15 डेज। ओके और ये सब ये मीडिया है बाईपार बोल के, okay. ये प्यूरिजन का अल्टरनेटिव आप यूज कर सकते हो, इंडियन ब्रांड ने बनाया है, एक्वाटिक रेमेडीज ने, okay. बहुत अच्छा क्वालिटी और एकदम बेस्ट प्राइस में आता है। okay. फिर ये ड्रॉप चेकर है CO2 लेवल चेक करने के लिए। yeah. ये चिचिरोस कंपनी का ब्रश आता है कैनिस्टर के पाइप्स क्लीन करने के लिए। okay, ये भी बहुत अच्छा क्वालिटी का स्टेनलेस स्टील में आता है पूरा। ये है मिनरल्स है एक्वाटिक वेंचुरस के। ट्रॉपिका का 3-in-1 डिफ्यूजर अवेलेबल है। और यहाँ पे ऑप्टिमम का फूड है फॉर ओरवांडास गोल्ड फिशेस के लिए, और क्विक रेड भी है यहाँ पे, ये एयर डिक्स है। या फिर ये हीलिया के एयर कर्टन के पाइप्स है, ये फ्लेक्सिबल है, आप इसको कितना के जैसा भी शेप दे सकते हो। ओके ये 1 फीट से 2 फीट तक 1.5 फीट के सब मॉडल अवेलेबल है। ओके या एक्वा स्केपिंग है। हाँ इसमें हमारे पास कर्व सीजर भी अवेलेबल है, वेव मॉडल का सीजर आता है वो अवेलेबल है। ओके फिर ये फोर्सेप्स अवेलेबल है, ओके स्ट्रेट में कर्व में दोनों अवेलेबल है। ओके और बड़े साइज के भी आपको ऑप्टिमम के क्विक रेड्स और ये WA का प्रोडक्ट है रेमोरा प्लस, ये भी अवेलेबल है, और ये भी एक है ऑप्टिमम का 3-in-1। तो इसमें 12% स्पिरुलिना है, राइट, तो कलरेशन के लिए अच्छा है। और यहाँ पे भी एक है 3-in-1 जो 6% है इसमें स्पिरुलिना। तो बहुत से प्रोडक्ट्स है, और भी कुछ फिश मेडिसिन है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये पूरा इनका फिश मेडिसिन और इसमें भी फिश फूड्स है वो मैं आपको दिखाता हूँ। AHM का है, फिर रिसेंटली टेरा का प्रोडक्ट आया है। टेरा का बहुत अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट है। या टेट्रा के भी है, रेप्टोमिन है, टेट्राबिट्स है, गोल्ड फिश एक्सोटिक है। या और ये का पूरा सीरीज है जिसमें आपको मरीन फिशेस से लेके सब एल्गे वेफर्स बॉटम फीडर्स के लिए भी मिलेगा। और ये एक पुना का ब्रांड है, ये क्या नाम है इस ब्रांड का? मकोटिका है। या इसमें ब्लैक सोल्जर फ्लाई के लार्वाज है। या तो ये मेड इन पुना है, राइट तो ये भी आपको यहाँ पे मिलेगा। इसमें भी अलग अलग साइज होंगे, राइट? इसमें छोटे से जंबो सब साइज अवेलेबल है। तो बबल एंड ट्रबल्स के आपको यहाँ पे A to Z प्रोडक्ट मिलेंगे, गार्ली गेट से लेके बैक्टो स्प्लैश से लेके टर्टल केयर्स के लिए भी प्रोडक्ट्स है, ये देखिए। और यहाँ पे इनके ब्लड वर्म्स भी मिलेंगे, राइट? या ब्लड वर्म्स दोनों साइज के अवेलेबल है। या डिवॉर्मर भी मिलेगा और हेक्सामीटर भी मिलेगा। फिर एसेंशियल सॉल्ट भी अवेलेबल है बबल एंड ट्रबल का, ये देखिए। और जो इतने बीटास देखे हैं अपन ने, तो उन बीटास के केयर के लिए ये प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल है यहाँ पे बबल्स एंड ट्रबल्स के। तो इसमें बीटा स्पा है,
बीटा स्पा है, बीटा केयर है और बीटा एक्वा सेफ है। ओके, ये कंडीशनर का काम करता है, बीटा एक्वा सेफ जो है एंटीक्लोरिन का काम करेगा। ओके, एंड बीटा स्पा ये पानी का जो पीएच है और जो एडिटिव्स है मिनरल्स वगैरह वो ऐड करेगा। ओके, और बीटा केयर जो है ये आपका केयर के लिए, मतलब आपका जो डैमेज होता है फिन्स को, फिन रॉट डिजीज होगा या फिश डल होगा, तब आप ये यूज कर सकते हो। ओके ओके, और इसमें वो एलमंड लीव्स का जो है एक्सट्रैक्ट आता है वो स्पा में आता है, बीटा स्पा में। ओके, बीटा स्पा में आता है, तो ये नेचुरल हीलर है। तो जिनको जिनके एरियाज में नहीं मिल रहा है बादाम के पत्ते, अभी रेनी सीजन में नहीं मिलते हैं, तो ये बीटा स्पा आप यूज कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छे प्रोडक्ट है बीटा फिशेस के लिए और मैं खुद ये यूज करता हूँ। ये मकुटी का आर्टिमिया फ्लेक्स है, okay. नया फूड लॉन्च हुआ है। okay. बहुत अच्छा क्वालिटी में ये फूड है, हाई प्रोटीन है। हाँ. और इजीली डाइजेस्टेबल है फिश के लिए। तो ये फ्लेक्स के वैरायटी में राइट, फ्लोट होएगा ऊपर, फ्लोट होगा और नीचे भी जाता है थोड़ा। ओके ओके, और इजी लाइफ के भी प्रोडक्ट्स है यहाँ पे, तो ये इंटरनेशनल ब्रांड है राइट? राइट, ये नेदरलैंड का ब्रांड है। ओके, एक्वास्केपर्स में इंटरनेशनली बहुत फेमस है। ओके ओके, ये इजी कार्बो है जो लिक्विड कार्बन प्रोवाइड करेगा। ओके, देन एक्वा मेकर है जो आपका कंडीशनर का भी काम करता है, देन अमोनिया भी रिमूव करता है पानी से। ओके, फिर ये फिल्टर मीडियम जो है ये बहुत फेमस प्रोडक्ट है इनका। हाँ. ये बेनिफिशियल बैक्टीरिया ऐड करता है टैंक में, जल्दी आपका साइकिल होगा टैंक। ओके, और ये जो बायो एक्सिड है ये आपका टैंक को नेचुरली बैलेंस करेगा, जिससे आपका एल्गी मर जाएगा पानी से। okay. तो जब नया टैंक स्केप करते हैं तो बहुत एल्गी का इश्यूज आता है प्लांटेड में। या। तो ये इसको ठीक करेगा। और यार बता दूं मैं आपको, ये 250 ml का है ये बड़ा बॉटल, और बाकी जो बॉटल है कितने ml के? ये 100 ml के। ओके, 100 ml के। और ये क्या प्रोडक्ट है? ये एक्वेटिक रेमेडीज ने नया एलिक्सर बोल के कार्बन का सुपर एक्टिवेटेड कार्बन स्पीयर्स लॉन्च किया है। ओके, यूजुअली आप कार्बन देखोगे तो ऐसा स्टिक्स में रहता है। yeah. ये जो है ये बॉल में बना है उन्हें, तो okay, okay. ज्यादा सरफेस एरिया मिलेगा, ज्यादा पानी इससे ये होगा, पास होगा। पास होगा, ओके ओके। तो ये सुपर एक्टिवेटेड है और ये कोकोनट शेल से बना है, तो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है। okay. और इसका लाइफ भी ज्यादा है, 9 months तक जाता है। ओके ओके, रेगुलर कार्बन है 3 months ही जाता है। ओके ओके, और ये उससे 10 गुना ज्यादा पोरस है। ओके ओके, बहुत प्रीमियम क्वालिटी और अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट है और इकोनॉमिकल प्राइस में। ओके ओके, ये स्ट्रीम स्टिक्स है, WAK स्ट्रीम स्टिक्स है ये। अच्छा, नया प्रोडक्ट उन्होंने लॉन्च किया है ये वाला। ओके, तो ये स्पिरुलिना के है, या अलग अलग उन्होंने बनाए, हर अलग कलर के स्ट्रीम के लिए अलग स्टिक्स उन्होंने बनाए। तो ये ब्लू के लिए, ब्लू स्ट्रीम के लिए है। फिर ये मोरिंगा का है, फ्लावर का एक एक्सट्रैक्ट है, तो इससे ये ग्रीन श्रिम्प के लिए उन्होंने बनाया है। ओके, फिर ये रेड चिली बेस्ड प्रोडक्ट है ये एस्टेक्सांथिन का, ये रेड श्रिम्प के लिए है। तो बहुत सा डब्ल्यू ए ने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बनाए, येलो श्रिम्प के लिए फूड बनाया। ओके, फिर ये बायोफीमेल बायोफिल्म का एक प्रोडक्ट है, तो ये जो है बहुत प्रोबायोटिक्स और इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेनिफिशियल बैक्टीरिया है, ये बायोफिल्म तैयार करता है पानी में। ओके ओके, तो आपके जो न्यू बेबीज है श्रिम्प्स के, हाँ, तो उनके लिए ये अच्छा प्रोडक्ट है। ओके, फिर ये बिलियन बैक्टीरिया का सब मिनरल्स आया है हर एक फिश के लिए। ओके, तो ये फ्लावर ऑन का है मिनरल्स। ओके, फिर ये एरवाना का है। या, फिर ये डिस्कस का है, श्रिम्प का मिनरल्स है। ये सुपर कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट है, एक बॉटल आपको साल दो साल जाएगा। ओके, तो ये कौन सी कंपनी का? बिलियन बैक्टीरिया का है। ओके, ये डब्ल्यू ए का ही अनदर ब्रांड है। ओके ओके, फिर इसके अंदर ये अंदर बाकी के प्रोडक्ट्स है बिलियन बैक्टीरिया के। ट्राइजी केयर है वो फूड एडिटिव है फिश का इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। फिर वो विटामिन कॉम्प्लेक्स है विमिनियो, ऑल फिश का विटामिन मिनरल कॉम्प्लेक्स है। ओके ओके, फिर हमारे पास बायोफ्लॉक के भी कल्चर के लिए वो बिलियन बैक्टीरिया के प्रोडक्ट है। ओके, माइक्रोलाइफ H2 पॉन्ड वालों के लिए। ओके, तो ये क्या चीज है? ये टाइमर सॉकेट है। ओके, तो जब आप वीकेंड के लिए जाते हो घूमने के लिए या फिर डेली यूज के लिए भी यूज कर सकते हैं। ये आप इसमें लाइट के लिए ज्यादातर यूज होता है। okay. तो हम प्लांटेड एक्वेरियम में 4 to 6 hours लाइट ड्यूरेशन रखते हैं। yeah, yeah. तो हमेशा हम ऑन करना ऑफ करना भूल जाते हैं। हाँ. तो इसमें आप क्या है, टाइम सेट करके इसको रख सकते हो, तो ये जो टाइम सेट किया उसके हिसाब से ऑन होगा और ऑफ होगा। तो पूरा वीक तक अपन शेड्यूल, ये तो लॉन्ग लाइफ है, मतलब महीना चलता है। ओके ओके, हाँ, इसमें छोटा सा सेल रहता है। yeah. बाद में वो रिचार्जेबल रहता है, अगर खराब हो गया तो रिप्लेस कर सकते हैं। ओके ओके, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज है राइट, फॉर एक्वेरियम जो प्लांटेड टैंक्स है उनके लिए। तो ये क्या चीज है? ये बायोम जैसा मीडिया है, श्रिम्प टैंक में यूज होता है, फिर सम्प में इसको ज्यादा यूज करते हैं। ओके, सिरामिक हाइब्रिड मीडिया है ये। अच्छा,
तो ये दो पार्ट्स में आता है बड़ा पैकेट में। ओके ओके हाँ, ये 250 का पैकेट आता है इसका, दो बड़े ये आपको ब्लॉक्स आते हैं इसके। ओके ओके, तो हैंग ऑन टॉप फिल्टर में रख सकते हैं? टॉप फिल्टर में तो नहीं, बट ये बड़े फिल्टर में, कैनिस्टर या सम फिल्टर में जाएगा। ओके ओके, फिर ये एक्स लावा मीडिया है, नेचुरल लावा जो जापान इम्पोर्टेड आता है। ओके, ये एक्स सीरीज जितने भी मीडिया है ये सब जापान इम्पोर्टेड है। ओके, ये एमओजील आता है, ये आपका अमोनिया लॉक करने के लिए, ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए यूज होता है। फिर ये टॉर्मुलिन मीडिया है, ये आपका बायोलॉजिकल भी काम करेगा एंड देन पानी में एसेंशियल मिनरल्स भी ऐड करता है। ओके ओके, देन ये एक्सलोन मीडिया है, ये उनका सबसे बेस्ट मीडिया है हाइब्रिड में, ह्यूमिस से बनता है। ओके, ये हाइब्रिड में आपका सबसे हाईली पोरस मीडिया है उनका। अच्छा, तो ये बायोलॉजिकल भी करेगा, अमोनिया भी रिमूव करेगा और फॉस्फेट्स भी रिमूव करेगा पानी से। ओके, फिर ये एक्सेरा बॉल है, ये आपका कैनिस्टर में सम्प में यूज होता है। ओके, सिरेमिक बॉल्स है। अच्छा, फिर ये जियोलाइट का मीडिया है। हाँ, तो ये मिनरल्स भी ऐड करेगा, बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन भी करेगा ये वाला। ओके, तो ये वाले जो है ये टॉप फिल्टर में रख सकते हैं? टॉप फिल्टर में, हैंग ऑन में आप इसको इजीली रख सकते हो। ओके, और ये जो है, ये सब जो बाकी के सब मीडिया है ये सब टॉप फिल्टर कंपैटिबल है। ओके ओके, ये भी, ये भी जाएगा। ओके, फिर ये जियो माइफन मिनरल बॉल्स है। ओके, ये स्ट्रीम टैंक में ज्यादा यूज होता है और प्लांटेड टैंक में आप सॉइल के नीचे एज अ बेस भी रख सकते हो। ओके, एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स लॉक करने के लिए। ओके ओके, ये 42 टाइप्स ऑफ मिनरल्स पानी में ऐड करता रहता है। ओके, इसका शेल्फ लाइफ है 6 महीने का। तो ये मिस्ट मेकर भी यहाँ पे अवेलेबल है सोबो के, राइट, और डॉफिन का ये भी ऑटो फीडर अवेलेबल है। ये सनसन का डबल नॉस का एयर पंप है, ये साइलेंट में आता है, इसमें सिंगल नॉस डबल नॉस दोनों अवेलेबल है। ओके ओके, फिर ये सम के लिए आता है पंप। ओके, ये भी अवेलेबल है। अच्छा, फिर ये एलईडी हीटर है। अच्छा, ये हीटर है। ओके, फिर ये CO2 ऑटोमाइजर है, ये कैनिस्टर में आप डायरेक्टली लगा सकते हो, तो टैंक में डिफ्यूजर लगाने का जरूरत नहीं है। अच्छा, ये स्प्रे बार वाला फिल्टर है। हाँ, सोबो का छोटा वाला सरफेस स्कीमर है। फिर ये डबल स्पंज में बायोलॉजिकल फिल्टर है। हाँ, इसमें आपका सिरेमिक बॉल्स इसके साथ ही आता है। ओके, देन ये डबल स्पंज में ये विद मोटर वाला है, तो ये एयर पंप पे काम नहीं करेगा, इसका एयर मोटर आता है इनबिल्ट। ओके, और ये छोटे वेव मेकर्स है, इसमें बड़े साइज वाले भी अवेलेबल है। ओके, फिर ये बड़े पावर हेड है और टॉप फिल्टर है ऊपर। तो ये कौन से रॉक्स है? ये फॉगिंग माउंटेन रॉक है। okay, ये नया वेराइटी अभी आया है फर्स्ट टाइम। Okay, ये बहुत यूनिक टेक्सचर में आता है रॉक। इसमें भी बहुत सारा स्टॉक अवेलेबल है। Okay, इसके अलावा ये मेपल लीफ रॉक है। यह हल्का रहता है लावा रॉक जैसा। इसमें बहुत नेचुरलिस्टिक ऐसे लाइनिंग में डिजाइन आता है। ये है, ये वुड फॉसिल रॉक है। ये भी बहुत नैनो टैंक्स के लिए बहुत अच्छा रॉक है। फिर ये मल्टी लेयर रॉक भी है, ये देखिए मल्टी लेयर है, लेयर रॉक है, सब लेयर रॉक्स है अवेलेबल। ये सब सैंपल रखे। हाँ, इसमें चॉइस करने के लिए बहुत सारा स्टॉक अवेलेबल है। ये रेडवुड लाइन रॉक अवेलेबल है। ओके, यहाँ पे ये यूनिक है, पूरा रेड डिजाइन में आता है। या ये एलिफेंट स्किन रॉक है। ये भी एक्वास्कीपिंग में बहुत यूज होता है। फिर यहाँ पे सीडीयू रॉक है, ये देखिए बड़ा साइज है, ये बड़ा इसमें है। छोटे बड़े सब अवेलेबल है। ओके, सीरियो में ये पानी में जाके और अच्छा दिखता है। तो ये ब्लैक लावा रॉक है यहाँ पे, ये तो बड़े बड़े लावा रॉक में हमारे पास छोटे से बड़े सब अवेलेबल है। या ये मीडियम साइज के है। या फिर इसमें बड़े साइज के भी अवेलेबल है जम्बो साइज में। या इसमें सब जम्बो साइज के लावा रॉक है बड़े बड़े। या फिर एकदम चिप्स में भी हमने शॉर्ट करके रखे हुए, ये सब छोटे छोटे साइज में लाजर सबस्ट्रेट भी आप इसको यूज कर सकते हो, फिल्टर मीडिया भी यूज कर सकते हो। स्मॉल साइज में भी है। तो ये कौन से रॉक्स है? ये एक नया वैरायटी का रॉक आया है, मून रिंग रॉक बोलते हैं इसे। ओके, ओके, ये ऐसा मल्टी लेयर और ड्रैगन रॉक जैसा इसमें मिक्स टेक्सचर है। या ये देखिए टेक्सचर है इसमें। फ्रेंड्स, ये था फिश एडिक्स एक्वेरियम फ्रॉम हड़प्सर। आपको ये वीडियो आज का कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और भी न्यू वीडियोस देखने के लिए।